नमस्कार फ्रेंड। झटपट झटपट घरेलू डिश में फिर से एक नया रेसिपी लेके आए हैं फ्रेंड। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही अमेजिंग सर्दी का अचार, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड। बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी, अमेजिंग लक्ष्मी ब्रांड ये पपीते का अचार फ्रेंड। देखिए ये पपीता जो हमने 1.5 केजी लिए हैं फ्रेंड, इसको देखिए छील के ऊपर का भाग हमने निकाल दिए हैं, ग्रीन वाला पार्ट, और नीचे का व्हाइट वाला पार्ट, जिससे तीखा ना हो फ्रेंड। तो ये और हमने इस साइज में पतला पतला, देखिए सबको इस साइज में पतला पतला काटे हैं फ्रेंड, ताकि ये हमारा अचार बहुत ही, देखिए ये ग्रीन वाला भाग जो है आप अच्छे से निकाल लीजिएगा और उसको धो के थोड़ी देर धूप में सुखा लीजिएगा फ्रेंड। देखिए तो हमने थोड़ी देर धूप में सुखा के रखे हैं फ्रेंड। ये अचार बहुत ही टेस्टी और शक्तिवर्धक है फ्रेंड। ये अचार आपको बहुत ही फायदा भी करेगा फ्रेंड। तो चलिए ये 1.5 केजी पपीता काट छील के धो के हम रखे हैं फ्रेंड। और इसके लिए लिए है, देखिए ये पीला मस्टर्ड, जो पीला वाला होता है फ्रेंड, 1 बॉल। और इसमें ज्यादा मसाला नहीं लेना है फ्रेंड। हल्दी, ये देखिए हल्दी, उसके बाद लेमन 4-5 250 ग्राम ले लीजिएगा फ्रेंड। जिंजर सॉल्ट ले लीजिएगा, अदरक, और ये जटामासी थोड़ा सा ये मसाला, और तेज पत्ता, लाल मिर्च, और 3-4 पोट लहसुन का बड़ा वाला ले लीजिएगा फ्रेंड। और देखिए और हरी मिर्च ले लेंगे फ्रेंड, और हींग, हींग तो बहुत ही जरूरी है फ्रेंड, ताकि सालों साल आपका टेस्ट बना रहे। और काला नमक, ताकि ये बहुत ही चटपटा और अमेजिंग हो फ्रेंड। बाजार में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा फ्रेंड, इतना अमेजिंग ये अचार बनेगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये सरसों पूरा ले लेंगे, पूरा 1 बॉल। इससे मसाला और मसाला डालने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड, और बहुत ही चटपटा अचार बनेगा। हरी मिर्च भी धो के थोड़ा सा सुखा लीजिएगा फ्रेंड, और डंठल नहीं निकालना है। ये देखिए 4-5 तेज पत्ता, 10-20 लाल मिर्च फ्रेंड, सब कुछ इसके साथ ही डाल के एक साथ पीसेंगे फ्रेंड। एकदम बारीक, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पीसेंगे फ्रेंड। पहले अदरक को भी टुकड़ा काट के, टुकड़ा करके तब पीसेंगे फ्रेंड। देखिए इसको छोटे छोटा पार्ट में काट लीजिए। एक साथ अगर आपके जार में नहीं पीसता है फ्रेंड, तो थोड़ा थोड़ा करके पीसिए फ्रेंड। ये देखिए इस तरह एकदम पतला पतला करिएगा फ्रेंड, ताकि ये अच्छे से पीस जाए फ्रेंड। देखिए अदरक थोड़ा गर्म रखेगा फ्रेंड, इसलिए अदरक जरूरी है फ्रेंड। ये सर्दी का अचार है, इसलिए अदरक अचार में जरूर डालिएगा फ्रेंड। ये देखिए तो हमने इसी तरह सारे को काट लिए हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये देखिए इस बॉल से हमने फ्रेंड 2.5 बॉल पानी इसमें डाले हैं, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए हमारा मसाला कितना बन गया फ्रेंड। ये देखिए सारे मसाले को इस तरह आप निकाल लीजिए, और कोई मसाला मत डालिए फ्रेंड। देखिए इतने में कितना मसाला बन गया फ्रेंड। तो सारा हाथों से पूरी पोंछ के हम इसको अच्छे से मसाला को निकाल लेंगे। इसका अचार खा के देखिए फ्रेंड, ये मस्टर्ड पपीता का अचार बहुत ही टेस्टी अमेजिंग होता है फ्रेंड। अब हम इसको सारे पपीते को इसमें डालेंगे फ्रेंड। डालने के बाद अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स कीजिए, हाथ धो के अच्छे से फ्रेंड। एकदम सारा मसाला मिल जाना चाहिए फ्रेंड।
ये देखिए इस तरह हम मिलाएंगे ताकि मसाला सभी में लिपट जाए एक एक में, क्योंकि हमारा मसाले की कमी नहीं है, मसाला बहुत है इसमें फ्रेंड। ये देखिए अब इसमें हम और मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे फ्रेंड, कुछ भी नहीं, बस हल्दी पाउडर 2 चम्मच डालते हैं, 2 बड़ा चम्मच कलर के लिए। और देखिए फ्रेंड थोड़ा हींग डालेंगे, देखिए 2 पिंच हींग डाल लेंगे फ्रेंड, और नमक डालेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नमक 1/2 बॉल डाल लीजिए, क्योंकि इसमें नमक से अचार पकता है फ्रेंड, तो नमक अच्छे से आप अब मिक्स कीजिए फ्रेंड, ताकि सारे में नमक हल्दी चला जाए फ्रेंड। अचार में नमक थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि हमारा अचार अच्छे से पक जाए फ्रेंड। और हाथों से एक एक में सभी कुछ लग जाना चाहिए फ्रेंड। अब हम नींबू को काट कर डालेंगे फ्रेंड। देखिए नींबू का बीज निकाल के इस तरह सारे को जूस को सारा डाल लेंगे फ्रेंड। ये देखिए इसी तरह 250 ग्राम के नींबू को जूस के डाल दीजिए, और छिलके भी आप नहीं फेंकिए फ्रेंड, छिलको छिलका जो है इसी में हम डाल लेंगे, ये भी पक के धूप में अचार बन जाएगा फ्रेंड, ये वेस्ट नहीं कीजिए। देखिए इसी तरह सारे को आप डाल लीजिए, देखिए फ्रेंड ये भी वेस्ट नहीं जाएगा और इसका भी नींबू का भी अचार हो जाएगा। ये देखिए देखिए अब इसको 20 से 25 दिन अच्छे से धूप दिखाएंगे फ्रेंड, धूप दिखाने के बाद फिर गोदाम में रखेंगे। देखिए फ्रेंड अब इसमें 1 बॉल पूरा तेल डाल लेंगे, सरसों तेल, और थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं फ्रेंड। मार्केट में बस यही कलर फुल करके और खिचड़ी वाला अचार, ना मसाला चूनता है फ्रेंड ना कुछ, और अचार बना के तैयार कर लेता है फ्रेंड। आप घर में अच्छे से बना के खा लीजिए फ्रेंड। ये देखिए बहुत ही कम मेहनत में ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड। धूप अच्छे से लगाइएगा फ्रेंड, अचार अच्छा होगा। ये देखिए नीचे से एकदम हर चीज को मिक्स करना है एकदम से अच्छे से। अचार लगाना तो आसान है फ्रेंड, लेकिन अच्छे प्रोसेस से लगाइएगा तो अचार बहुत दिन टिकेगा फ्रेंड, बहुत दिन, खराब जल्दी नहीं होगा फ्रेंड। फ्रेंड देखिए ये पपीते का अचार बनकर तैयार हो गया फ्रेंड, इसको अच्छे से धूप कम से कम 20 से 25 दिन दिखाना है खुले बर्तन में इसी टाइप का, और अगर बड़ा बर्तन हो तो आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं फ्रेंड, और धूप दिखाना है एक पतले कपड़े से ढक के, उसके बाद आप किसी बड़े से जार में आप इसको रख दीजिए फ्रेंड। इस तरह अचार बनाइएगा फ्रेंड तो कभी नहीं खराब होगा,
सालों साल चलेगा फ्रेंड ये अचार। फ्रेंड ये अचार की रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखिए फ्रेंड। ये पौष्टिक अचार आप लोगों को जरूर पसंद आएगा फ्रेंड, बनाइए और मेरे चैनल पे कमेंट में लिखिए फ्रेंड। ये पपीते के अचार, अचार भी है और पौष्टिक भी है फ्रेंड। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और अपना अनुभव जरूर लिखे फ्रेंड, और न्यू से न्यू रेसिपी झटपट झटपट चैनल पे जाके देखे फ्रेंड। ये एकदम यूनिक रेसिपी फ्रेंड। फिर मिलते हैं फ्रेंड अगले रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।